महिलाएं हैं, भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माता जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं। ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश देखता है। उनके खिलाफ किसी जज ने किसी दो साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या किया, अडानी का मुद्दा उठाया, मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, एक साल से स्टे था, अडानी ने जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उसको केस को जिंदा कर दिया। ये सरकार अडानी के जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद। अगला कदम क्या होगा मैम आपका? मैंने कहा अगला कदम क्या होगा? मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून कहां इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं, लड़ते नहीं है, लड़ते रहेंगे और खड़े रहेंगे। स्पीक करना चाहे करें, कोई बात नहीं। थैंक यू।